सुखद एहसास तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। ओम शांति। 3 मार्च 2024 रिवाइज 21 नवंबर 1998 के पर बाप दादा ने कहा, बच्चे चाहे लास्ट पुरुषार्थी बच्चा है फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान डायरेक्ट उनके बच्चे बन गए। ऐसा भाग्य सारे कल्पों में किसी आत्मा का ना है ना हो सकता। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो वा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो बाप के बच्चों को देखो। तुम खजानों के मालिक बच्चों पर बाप दादा की भी रूहानी नाज है। आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का, खुशी का और दुआओं का जो खजाना है, यह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के और किसके पास नहीं है। फिर बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाते हुए कहा, तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्ष का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। चाहे समय कितना ही नाजुक हो, परिस्थितियां, समस्याएं या वायुमंडल भी डबल दूषित हो, लेकिन तुम्हें इन सबके प्रभाव से स्वयं को मुक्त अनुभव करना है। जब भी कोई प्लेन बनाओ तो विदेही वा साक्षी बनकर प्लेन बनाओ और सेकंड में प्लेन स्थिति में चले जाओ। यो विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी, जैसे बादल आए चले गए। अभी तुम लास्ट समय को सोचते हो लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते, और ही जोर शोर से करो और बाप दादा की वो संबंध संपर्कों में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। अब यो दुआओं का खाता बहुत जमा करो। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का ना है ना हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता। चाहे कितना भी पदमपति हो लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पदमों की कमाई है। सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो कदम भी बाप की याद में रहे व कदम उठाया तो हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितना पदम जमा हुए। ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पदमों की कमाई करे? इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो बा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो बाप के बच्चों को देखो। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का स्थान खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के सौकार है, और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर है खजाना का लिस्ट जानते हो ना। यो स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्वगुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का
रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, यो अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं है। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चे पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यह गीत गाते, वाह बच्चे वाह, आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना। हाथ की ताली बजा सकते हो, सभी ने तालियां बजाई। दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो, एक हाथ की बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना। ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है, ब्राह्मण शांत पसंद है, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा तो सभी को सदा है ना, सदा है भी और आगे भी रहेगा, निश्चित है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चों को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखने चाहते हैं। आप सबका ये चैलेंज है ना कि बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला है? मिला है। सतयुग में व मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हो वा अन्य अंत में बनेंगे, अब बनेंगे या अंत में बनेंगे। जो समझते हैं अंत में बनने के बजाय अभी बनना है वा बने हैं या बनना ही है, वो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, दोनों में मिक्सर मिक्स हाथ उठा रहे हैं, चतुर है। भले चतुराई करो लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चों को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे तो किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना कि विधियाँ क्या है, इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो आपको ही पड़ेगा ही। चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही, फिर क्या करेंगे। अभी से बनेंगे आपके मुख से गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, लेकिन यो गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। ऐसा नहीं गुलाब जामुन खा जाओ, हल्की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहाँ से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है, यो कुर्सिया वालों की माला तैयार हो गई है, अच्छा है। कारणे अकारणे जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हैं? ऐसे नहीं कि धरने पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे। पहले आप धरने पर बैठना, यह है तपस्या की निशानी, तंदुरुस्ती की निशानी है। हेल्थ भी है तपस्या द्वारा, खजाना की वेल्थ भी है। तो जहाँ हेल्थ है वेल्थ है, वहाँ हैप्पी तो है ही है। तो अच्छा है हेल्थ हो, हैप्पी हो। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की तीन प्रकार की स्टेजेस है। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी है। दूसरे है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। तो तीन स्टेज देखी, पुरुषार्थ की स्टेज में ज़्यादा देखे, प्रलब्ध जीवन मुक्तों की। प्रलब्ध यो नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की व स्पीकर अच्छे बनने की व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, यह प्रलब्ध नहीं है। यो तो लिफ्ट है
और आगे बढ़ने की, सर्वदारा दुआएं लेने की, लेकिन प्रलब्ध है जीवन मुक्तों की, कोई बंधन नहीं हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितना रूसिया से बंधा हुआ दिखाते हो, तो वो है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन है। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाली धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई दे देवे, बहुत महीन भी है, रायल भी है, पर्सनैलिटी फील करने वाले भी हैं, लेकिन वो धागे देखने में नहीं आते, अपनी अच्छाई महसूस होती है। अच्छाई है नहीं लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे ये जीवन बंधों के धागे मेजोरिटी में हैं, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त तो बहुत बहुत थोड़े देखे। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार ये सेकेंड स्टेज है जीवन मुक्त तो। लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेहीपन की, उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत 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 अटेंशन चाहिए। सभी बच्चे पूछते हैं तो 99 आएगा, क्या होगा, क्या करे, क्या करे, क्या नहीं करे। बाप दादा कहते हैं 1999 के चक्कर को छोड़ो, अभी से विधि स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही है ना और आने वाली है, उसमें विधि स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसीलिए और सभी बातों को छोड़, यो तो नहीं होगा, यो तो नहीं होगा, क्या होगा, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। विधि अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती, चाहे प्रकृति को पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु बाप दादा समय प्रति समय इशारे देते भी हैं और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा, उस आश्चर्य होकर नहीं। विधि ही साक्षी बन, सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लान बुद्धि बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है, यो विधि ही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर देगी। जैसे बादल आए चले गए और विधि ही अचल अडल हो खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवादारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ। इसीलिए सेवा खूब करो, बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते, और जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसीलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाली आत्माओं की संबंध संपर्कों में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। यो दुआओं का खाता बहुत जमा करो, अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो दापर से आपको आपके चित्र द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेगी। अनेक जन्मों में दुआएं देनी है लेकिन जमा एक जन्म में करनी है, इसीलिए क्या करेंगे। स्थिति को सदा आगे राख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा यो नहीं सोचो, ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम हो, कभी अच्छा कभी थोड़ा अच्छा, तो सुना क्या करना है, क्वेश्चन मार्क्स
सोचने के हिसाब से आश्चर्यजनक होकर सोचने की फिनिश करो, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, तो वो स्थिति को नीचे ऊपर करता है, समझा? अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है, कौन सी? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाए और बनाया भी है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं? 12 से 15। अच्छा उमंग है कि विदेश चारों ओर मिल जाए, यो लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहाँ जाता है वहाँ कोई ना कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। तो यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो, यह उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। इसीलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर वन विदेशी बच्चों का बनना ही है। बनना है कब? 99 में या 2000 में? बनना है कब नहीं, अब। अव्यक्त तो बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है ना। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त तो बन विधि स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त तो ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो, इसलिए अव्यक्त तो पालना का बाप को रेस्पॉन्स देना विधि ही बनने का, सेवा और स्थिति के बैलेंस का। ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा ये नहीं सोचते, देखेंगे सोचेंगे नहीं, करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। जो भी सभी टीवी में भी देख रहे हैं, तो वो सभी भी ऐसे बोल रहे हो ना। बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे हैं, चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है, हम करेंगे, हम करेंगे, हमें करना ही है। एडवांस में मुबारक हो। अच्छा, विदेश के बहुत से भाई बहनें पहली बार आए हैं, रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी बैठे हैं, बहुत अच्छा। सब नंबर वन लेने वाले हैं, बहुत अच्छा। मेहमान बनकर आए और बाप के बच्चे अधिकारी बन गए, अधिकारी हो गए ना, अधिकारी हैं, बहुत अच्छा। अभी आगे बढ़ते रहना। हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से सभी डबल ट्रस्टी हो, एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी, अच्छा है। हॉस्पिटल आत्माओं को भी सेवा कर रही हैं और शरीर की भी सेवा कर रही हैं, तो डबल सेवा हो रही है ना। इसीलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माओं हो तो उन्हों को भी डबल दुआएं मिलती रहती हैं। बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं ना। सेवा का चांस लेना, यो है संसेलार बनना। वो संसेलार नहीं, रूहानी यूनिवर्सिटी के संसेलार, अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बना रहा है। बाप दादा को प्लान दिखाया। जहाँ उमंग उत्साह है और सबकी एकमत है, तो जहाँ एकमत है और उमंग उत्साह है तो सफलता है ही है, अच्छा है। भले करो, फॉरेन में नाम वाला करो, बहुत अच्छा। जो भी सभी भारत से आए हैं, तो भारत वालों को तो विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित भी भारत में होते हैं और साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं, तो डबल नशा है ना। भारत ने ही विदेश में संदेश दिया, तो भारत ने विदेश भी अपने परिवार को ढूंढ एक परिवार बना दिया। इसलिए भारतवासी बच्चों का सदा महत्व है और भारत का महत्व बढ़ना है तो भारतवासियों का महत्व तो है ही। इसलिए जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं तो वो बहुत प्यार से पहुँचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों और सेवा के सहयोग को देख खुश है और बच्चे भी सदा खुश है। खुश रहते हो ना, कभी खुशी तो कम नहीं करना, यो स्पेशल बाप का खजाना है। इसीलिए खुशी कभी नहीं छोड़ना, सदा खुश। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान
सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तो आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ऐसे हम बच्चों को और से बाप दादों को भी बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान, परमात्मा कार्यों में सहयोगी बन सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। अर्थ तो है, जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्यों में हर एक के सहयोग की अंगुली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो। मनसा से मुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्मा कार्यों में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। स्लोगन, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में आप सेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।